अध्यक्ष महोदय, दिसंबर के अंतिम महीने में चुनाव कांच का संपन्न हुआ और हमारी जो सरकार जो बनी है ये लगभग 2.5 महीना होने जा रही है। आज चुनाव संपन्न होने के बाद निश्चित रूप से जो मूल बजट लाया गया है तो जल्दीबाजी में कहीं भी हो सकता है कि कमी बेसी हुआ होगा और ये जो 2.5 महीना का अंतराल सरकार की उपलब्धि हम उसकी परिकल्पना हम तुरंत में नहीं कर सकते हैं। हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों के द्वारा उनको 5 साल पहले मौका मिला और कहा गलती किया, क्या चूक किया और आज विपक्ष में उसको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हमें आने वाले दिन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बहुत दूरदर्शिता वाली टीम है और 6 महीना के अंदर दिखाई देगा कि ये सरकार में क्या ताकत है, क्या क्षमता है। आपको जो बजट का मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ और विशेषकर कल्याण विभाग द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों को जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सके और उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसी के उद्देश्य से कल्याण विभाग का गठन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें कल्याण विभाग में निश्चित रूप से अगर हमें आदिवासियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए या पिछड़ी जातियों के विकास में जाना है तो इनके जो मूल जो संस्थान है अध्यक्ष महोदय, जैसे झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लेवलीवुड प्रोजेक्ट, ये एक संस्थान हुआ। उसी तरह से झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, ये एक संस्थान हुआ। उसी तरह से तीसरा संस्थान झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, ये एक संस्थान हुआ। चौथा झारखंड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, ये लिमिटेड संस्थान हुए। ये संस्थान को सबसे पहले अध्यक्ष महोदय मजबूत करने की जरूरत है। आज अगर हम कहें कि झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम क्या, हम जनप्रतिनिधियों की भूमिका कितनी है, आखिर निगम के सदस्य कौन है, इस राज्य के जो महानुभावों को उस निगम में अपनी सुझाव परामर्शदात्री के रूप में क्यों नहीं रखा जाता है, ये चिंता का विषय है। और जब तक उन महानुभावों को वहां पर अवसर आप नहीं देंगे तब तक आप निगम जैसे संस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, अध्यक्ष महोदय आज शोध संस्थान में प्रभारी निदेशक के भरोसे चल रहा है, जबकि शोध संस्थान झारखंड प्रदेश के आदिवासियों का एक आत्मा की तरह है और उस शोध संस्थान में एक भी शोधार्थी नहीं है, शोध कार्य करने वाले नहीं है, मात्र 2-4 कर्मचारी और 1-2 अधिकारियों से सारे शोध संस्थान को चलाया जा रहा है। अब ऐसे परिस्थिति में आप आदिवासियों की विकास की कल्पना करना हमको लगता है ये कोरी सपना के बराबर होगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए संस्थान को लिमिटेड के बारे में अध्यक्ष महोदय आखिर ये क्या है, इस सहकारिता विकास लिमिटेड के माध्यम से किसको आप लाभ देना चाहते हैं? अगर आओ तो आदिवासियों के लिए करना है तो उनके बारे में उसके संबंध उनके पास प्रचार प्रसार होना चाहिए। आखिर ये निगम से क्या लाभ हो सकता है, ये सहकारिता विकास से क्या लाभ हो सकता है? उनको आय वृद्धि योजना के तहत आप केवल आय वृद्धि योजना के तहत आप बकरी पालन करवा देंगे, सुअर पालन करा देंगे। आदिवासी बकरी पालन और सुअर पालन
जन्म होता है उसके बाद से ही बकरी और सुअर पालन जानता हूं। आप और हम क्या सिखाएंगे, पदाधिकारी क्या सिखाएगा अध्यक्ष महोदय उनको? आप बकरी और सुअर पालन सिखाएंगे? आप बकरी पालन सुअर पालन करा करके आप निगम को मजाक बना के रखे, और ये सारी का सारी हमारे विपक्ष के साथियों को हो सकता है थोड़ा तकलीफ होगा। ये आपका कांग्रेस के जमाना में ये बनाया हुआ योजना था, इस योजना को आपको पालन करने की जरूरत है, और अधिकारियों को भी इन योजनाओं को सही तरीके से पालन करने के लिए अधिकारी को भी इस पर अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज कैबिनेट का बैठक भी है जी, बस, और सरकार का उत्तर भी होना। सर हम लोग प्रदीप भाई ने 5 मिनट खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब प्लान के बारे में चिंता किया गया, ये निश्चित रूप से हेमंत सर की सरकार में ट्राइबल सब प्लान का राशि का विचलन रोका जाना चाहिए, ये चीज को हमको इसको हमको निश्चित रूप से हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक यहाँ पर छात्र छात्राओं की बात है, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में प्रतिपक्ष के अभिनेता होने वाले हैं, मान्यता शायद हमको लगता है कि मिलने वाला, चूंकि हम लोग तितर बटेर की तरह हम लोग सब लोग, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी भी प्रतिपक्ष नेता आजकल हो ही जाएंगे, उनको मालूम होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। अध्यक्ष महोदय, इसको जानने की जरूरत है, यहाँ के बच्चों को बाहर में पढ़ने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज में भेजा जाता था। तत्कालीन बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये योजना बाबूलाल मरांडी हट गए, हमारे साथी लोगों का सरकार आया और 31/3/17 को इसको समाप्त कर दिया गया। ये आप लोगों का है, दिखाएंगे अभी थोड़ा सा, थोड़ा देर के बाद ये उपलब्धि खत्म कर दिया बाबूलाल मरांडी जी, जो खैर उनकी अपना है, चले गए आपके साथ, अच्छा बात, हम सभी लोग का शुभकामना है, नहीं बोलेगा, हम बहुत उनको सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, जिन बच्चों को आप चाहते हैं बाहर जाता है पढ़ने के लिए, आप उसको उसके लिए राशि बजट उत्पन्न में रखते हैं, आखिर क्या कारण है कि बाद में आप बजट को डाइवर्ट कर देते हैं, राशि को डाइवर्ट करके उनको छात्रवृत्ति वगैरह बंद कर देते हैं, आज बेचारा बाहर में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर में आ गए। इन चीजों को जानना होगा। जहां तक क्रीड़ा छात्रवृत्ति, खेल छात्रवृत्ति के बारे में, झारखंड में खिलाड़ियों की असीम संभावना। अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों का प्रतिभा को निखारने के लिए जहां तक हो सके उनको कोचिंग वगैरह की व्यवस्था करके, इतना बड़ा बड़ा स्टेडियम बना हुआ है पूरा खेल गांव से लेकर के सारा मोराबादी, सब जगह, सभी जगह हमें यहाँ के लोगों को, नौजवानों को अवसर देना चाहिए, इसके लिए राशि अतिरिक्त व्यवस्था भी करना होगा तो करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन का मजबूरी को जरा सर हम 3 मिनट में खत्म कर रहे हैं, घड़ी देख करके, नहीं सरकार का उत्तर भी आना है ना। ठीक है सर, 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, जो छात्रवास के मामले में प्रदीप जी का तभी आपका ध्यान आकर्षण बात आया था, सारे हमारे साथी भी इसको चिंता जाहिर किया है, हम और बाबूलाल मरांडी साथ में काम करते रहे थे, छात्रवास घूमे थे बारिश के दिन में, लोग ऊपर में प्लास्टिक लगाता है सर, ईटा लगाने वाले भी बात ठीक बोल रहे हैं, आज मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और 3 महीना के अंदर छात्रवास कैसे सुधरेगा इसको जवाब में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सरकार से ये उम्मीद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज छात्र रसोईया नहीं है, शौचालय नहीं है, आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहां पर हातमा हॉस्टल से रातू रोड बस स्टैंड लड़का लोग मोटरसाइकिल से लैट्रिन करने के लिए जाता है, इस बात को समझिए। रांची में दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, साथ में अध्यक्ष महोदय हमारे साथी लोग, माननीय सदस्य, बस 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 खत्म कर रहे सर, खत्म कर रहे। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी लोग अभी बोल रहे थे, माननीय सीपी सिंह चले गए, बहुत सम्मान करते हैं, पुराने बड़े नेता हैं, पूरा हमारे पास यहाँ पर पूरा इनका जन्म कुंडली। अध्यक्ष महोदय, मैं लेकर के आया हूँ, बहुत चिल्लाता है अलगा अलगा के ना ये लोग, हम बता दे रहे हैं, सुन लिए, 2 मिनट सुन लेगा, बहुत अच्छा चीज बता रहे थे मैं। एकलव्य मॉडल के बारे में हजरा साहब बोल रहे थे, बिल्कुल 6 स्कूल है, आश्रम और श्री विद्यालय 11 है, आदिम जनजाति 9 है, अनुसूचित जाति 7 है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा ये एनजीओ को किसको दिया है, ये बुद्ध शैक्षणिक विकास परिषद को ये लोग 6-5 स्कूल दिया है, और ये कौन है, ये लोगों को आत्मा से आज घर जाके पूछे कौन है। उसके बाद विद्या विकास
समिति हिंदू को दिया है, मध्य 12 स्कूल को दिया चलाने के लिए। बताइए एक आदमी से 12 स्कूल चलेगा? हम एक परिवार 12 घर को चलाने का ठिकाने नहीं है, 12 स्कूल चला लीजिएगा, आपका मैनेजमेंट क्या है? उसी प्रकार से आपका सेवा थाना रोड डुमका को दे दिया गया है 13 गो स्कूल, विकास भारती को दे दिया गया 11 गो स्कूल, बटेश्वर धाम को दिया गया 6 गो स्कूल। ये देखिए और नाम पढ़िएगा, एक बच्चा पर कितना पैसा लेता है सुनिए, इसको जांच करवाइए अध्यक्ष महोदय, जांच करवाइए जितना संस्थान है, और गलत करता अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, जेल जाना चाहिए, और जेल नहीं जाएगा। हो गया माननीय सदस्य, आज बोल रहे थे भानु जी यहाँ पर हैं, भानु जी और हम लोग मंत्री में थे, हज हाउस बनाया तो मेरा और भानु जी चलते बनाए, इसका क्रेडिट मत लीजिएगा। हम जमीन दिए हैं, बैठो जमीन है, बैठो, जमीन हम लोग दिए हैं दोनों, बैठो, अरे बच्चे हो बैठो, अभी बैठो, बच्चे हो बैठो, अभी जमीन हम और भानु दिए हैं, बैठो, बच्चा हो बैठो बैठो, अभी माननीय सदस्य, आप अपना गरिमा को न गिराएं गरिमा को, ठीक है, उसका जवाब है, तरीका है, गरिमा गिरा के जवाब देना ठीक नहीं है, ठीक। चलिए बंधु जी, सरकार का उत्तर होगा, जमीन हम लोग दिए, हम लोग ठीक है, अब सरकार का उत्तर के लिए बकस दीजिए, सरकार के उत्तर के लिए आप इन झंड इससे बकस दीजिए आप आसन को।